फिरोजाबाद जिले के थाना सुगावास क्षेत्र में देर रात एटा चौराहे स्थित एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने आए वैगनर कार सवार ने डीजल डलवाकर भाग गया। बिना भुगतान कार सवारों के भागने पर डीजल डालने वाले उप कर्मचारी ने कार सवारों का पीछा किया तो कार सवारों ने कर्मचारी को जोरदार टक्कर मार दी जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। कार सवार घटना को अंजाम देकर भाग गए। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कर्मचारी को गंभीर अवस्था में अस्पताल लेकर गए जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी होते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतक शेर सिंह पुत्र कृष्णलाल निवासी नगला प्रदुम्न थाना जसराना हाथबंद ब्लॉक प्रमुख सपा नेता सुरेश यादव के पेट्रोल पंप पर कर्मचारी है। वह 4 माह से ही नौकरी कर रहा था। सूचना मिलते ही पेट्रोल पंप स्वामी घटना स्थल पर पहुंचे जहां कर्मचारी को अस्पताल लेकर आए। घटना की जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इधर पुलिस घटना हुई है, अल्टो में डीजल पड़ा, वो पेट्रोल पड़ी थी 1000 रुपये 1000 की जी। उनने पैसे मांगे, उनने आगे बढ़ा के पैसे दे रहे हैं। उसने वो अपने मोबाइल पर डीजल डालने चला गया, वो गाड़ी ले गया। मैं पूछी मोटरसाइकिल वाले ने कहा मुझसे कि भैया पेट्रोल डाल दो, मैंने ये कहाँ गए, उनने ये तो गाड़ी के पीछे चले गए। मैंने जब देखा तो वहाँ दिखाई नहीं दिए कहीं गए, तो आ गया। फिर उन्होंने फ़ोन किया, फ़ोन करने पता चला कि मैंने कुछ एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, किसने कुछ चलाया, उन्हीं गाड़ी ने कुछ चलाया? ये नहीं पता चल रही कि कौन सी, मैं तो था नहीं, मैं तो यहीं पंप पे ही था। क्या स्थिति है? अब स्थिति बताते हैं उनकी उम्मीद। देखिए 10 बजे के आसपास जो है एक व्यक्ति जो है UP 80 नंबर की गाड़ी है उससे जो है आया और वहाँ पे जो है 1000 रुपये का पेट्रोल भरवाया। उसके बाद वो व्यक्ति बिना पैसे दिए वहाँ से भागने लगा। इस पर जो है वहाँ के जो पेट्रोल कर्मी था वो उसका पीछा किया। मैं पूरी चौराहे पे जैसे वो उसको उसके पास गया, उस व्यक्ति सामने आया और उस व्यक्ति ने उसको ठोकर मार दी जिससे पेट्रोल पंप कर्मी जो है वो घायल हो गया। उसको सिकोहाबाद अस्पताल लाया गया जहाँ पे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया है। और सिकोहाबाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उपरोक्त वाहन को वाहन चालक सहित अभी जो है हिरासत में लिया है। आगे की जो भी है प्रारंभिक जाँच की जा रही है अभी, और जैसी तहरीर प्राप्त होगी उसी तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आगे की विधि कार्रवाई।